हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक। आज की वीडियो में हम बतलाएंगे कि यामाहा FZ बाइक हो या फिर R15 हो या फिर यामाहा फेजर हो, ये जो टाइमिंग देख रहे हैं इस टाइमिंग को किस तरह से मिलाना है और ओपन करके हम देख लाएंगे। जिस तरीका से ओपन होगा उसी तरीका से आपको फिटिंग भी करना है। तो ये देख रहे हैं आप टाइमिंग, दोनों एकदम पूरा एकदम बराबर है, सेम बिंदा बिंदा पे है। तो हम आपको ओपन करके देख लाएंगे। ये फर्स्ट बार खुल रहा है तो जिस तरीका से ओपन होगा उसी तरीका से फिट होगा। तो सबसे पहले हम दोनों नट को लूज कर लिए हैं। सबसे पहले दोनों का गुना जो है सीधा गुना रहता है, कोई भी उल्टा गुना नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम नट को खोल ले रहे हैं। ये नट खुली है हमारा। नट खुलने के बाद एक वाशर आता है, एक वाशर, ये हमारा वाशर है। इस वाशर को हम खोल लिए। उनके बाद एक GPD पिनियन हमारा आता है, इसको आपको ओपन करना है। तो ये हमारा GPD पिनियन है और इधर देख रहे हैं ये, अगर आप उल्टा बैठाइएगा तो बैठेगा भी नहीं। आप देख रहे हैं किस तरह से बैठा हुआ है GPD। उनके बाद ये खोलने के बाद अब हम इधर वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक नट है, पतला ऐसा नट है, और दोनों जो है ये 19 नंबर का गोटी हैंडल से खोल सकते हैं। उनके बाद एक वाशर है, ये वाशर है। उनके बाद एक प्लेट है। उनके बाद ये प्लेट हमारा खुल जाएगा। प्लेट खुलने के बाद अब हम इसको खोलते हैं इधर वाले को। तो ये हम खोल लिए हैं। इसमें देख लीजिए कोई भी हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वाशर वगैरह कुछ भी नहीं है। और इधर देख लीजिए, इधर भी हमारा कुछ भी नहीं है। इनमें उल्टा सीधा कैसे पहचान सकते हैं, सिर्फ इस बिंदा से आप पहचान सकते हैं। टाइमिंग वाला जो रहेगा, जो बिंदा वाला भाग रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। उनके बाद अब हम इसको खोल लेते हैं। अब हम इधर वाले को खोल रहे हैं पेचकस की मदद से। ये पतला वाला पेचकस के मदद से आपको भी खोल लेना है, थोड़ा सा टाइट रहता है। तो ये हमारा खुल गया है। इसमें क्या है, उल्टा सीधा ये बिंदा से आप पहचान सकते हैं। बिंदा वाला भाग जो है ऊपर रहेगा और इधर बिंदा नहीं है। उनके बाद इसमें भी एक बिंदा रहेगा, ये भी बिंदा बिंदा, तीनों बिंदा एकदम सब सेम में रहेगा, सामने में रहेगा। उनके बाद ये वाला है, इसमें भी आप बिंदा से पहचान सकते हैं उल्टा या सीधा। उनके बाद एक चाबी आता है, ये काटर जिसको बोलते हैं। उनके बाद एक प्लेट आ जाता है, सबसे आखिरी में प्लेट। अब इसमें कुछ भी नहीं, एक बूश है इसमें। तो ये देखिए, ये मोटा टाइप का वाशर है, ये वाशर रहता है। अब इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें भी एक काटर रहता है जिसको चाबी बोलते हैं। तो इसमें बड़ा वाला रहता है। तो जिस तरीका से खोले हैं उसी तरीका से आपको फिट करना है। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।